तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो गाइस चलो यार ऑर्गेनिक के डे 14 पे आते हैं। तो गाइस आज जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, इसका कोई पहले से मैंने प्लान नहीं बनाया था। तो मैंने इसको सोचा था यार कि जब आपका एडवांस नजदीक आएगा और जब आपका नीट नजदीक आएगा तब मैं इस लेक्चर को लूंगा, इस कंटेंट को शेयर करूंगा। आज मेरा प्लान था कि SN1 SN2 E1 और E2 मैकेनिज्म आपको कराऊं उसके, और बहुत प्यारे क्वेश्चन कराऊं उसके। लेकिन यार फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं सोचा इसको अभी करा देना चाहिए कि बाद में हम अपना फोकसली फेब्रुअरी अटेम्प्ट के बाद अपना किस में चले जाएं, अपने मैथ और फिजिक्स में भी फोकस करना स्टार्ट कर दें। तो मैं सोचा इसको जल्दी कवर कर देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, एक लेक्चर ज्यादा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यार सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइज आज मैं आपको इसमें ऐसी शेयरिंग करूंगा, ऐसी नॉलेज शेयर करूंगा जो बच्चे 2 साल से मेहनत करते हैं उनको भी इनमें से काफी पॉइंट क्लियर नहीं होते, उनको भी इनमें से काफी पॉइंट क्लियर नहीं होते। तो जो बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको भी काफी कुछ इनमें जो आपको मैं आज कंटेंट बताऊंगा इसमें से काफी कुछ पता नहीं होता। तो वो कंटेंट मैं आपको आज एक लेक्चर में ही देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है बात? एक जो लेक्चर है आपके एडवांस और एम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एम्स को टारगेट रख रहे हैं और जो बच्चे एडवांस को टारगेट रख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए भी है, ऐसा नहीं है। नीट देखो, नीट और एम्स तो सेम है, नीट और एम्स का एग्जाम तो अब सेम ही होता है, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे थोड़ा सा लेवल कम हो सकता है, इससे थोड़ा सा लेवल कम हो सकता है, लेकिन इसका यूज जरूर होगा, इनका यूज जरूर होगा। ठीक है, तो करना सबको ही है। ठीक है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका देखो यही एक स्लाइड है, यही एक स्लाइड है, मतलब दूसरी स्लाइड नहीं आएगी कोई, यही एक स्लाइड है। तो मतलब देखते हैं कि लेक्चर छोटा बनता है कि कैसे बनता है, मुझे पता नहीं है कि मैं कितनी आपसे नॉलेज शेयर करूंगा, प्रो मतलब कितना टाइम लगेगा आपको सारी नॉलेज शेयर करने में। ठीक है ना, तो देखते हैं कितना लेंथी लेक्चर बनता है। मस्ती करो बस, आराम से इंजॉय करो ऑर्गेनिक को, और तो कुछ नहीं। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले गाइस बात करेंगे इपोक्सीडेशन रिएजेंट के बारे में। इपोक्सीडेशन का मतलब क्या होता है गाइस? इपोक्सीडेशन का मतलब, पहले इपोक्सी का मतलब क्या होता है? देखो ये रिंग होती है, इसको बोलते हैं इपोक्सी रिंग, इसको बोलते हैं इपोक्सी रिंग। तो जो इपोक्सी, देखो इपोक्सी रिंग की एडिशन को बोलते हैं इपोक्सीडेशन। तो इपोक्सीडेशन रीजेंट्स का मतलब क्या? जो इपोक्स, जो रीजेंट इपोक्सीडेशन करा दें उनको बोलते हैं इपोक्सीडेशन रीजेंट। तो देखो गाइज आपको याद हो, समझ आना चाहिए, फंक्शन इनके पता होना चाहिए। देखो RCO3H, देखो RCO3 कैसा होता है, इसमें परोक्साइड लिंकेज होती है। देखो RCO3 कैसा होता है, देखो ये ऐसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCO2H होता है, उसमें दो ही ऑक्सीजन होते हैं, तो इसमें परोक्साइड लिंकेज है। तो इस ए देखो पर ऐसे भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, जिसमें परोक्साइड लिंकेज हो। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो एक आप इपोक्सीडेशन रिएजेंट आपके कौन से हैं सिलेबस में, मेनली आपके 3 इपोक्सीडेशन रिएजेंट हैं। फर्स्ट क्या है, RCO3H, दूसरा क्या है Ag2O, और तीसरा क्या है MMPP। तो 3 रिएजेंट है, MMPP बहुत ही यूनिक और बहुत ही काफी बच्चों को पता ही नहीं होगा MMPP। तो MMPP जब आप MS चौहान सर के बुक के क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो ये 3 रीजेंट है जो इपोक्सीडेशन कराते हैं आपके सिलेबस में, ये 3 रीजेंट है मेनली, ये 2 हैं मेनली, ये 2 है। इसमें अभी तक एडवांस पे या एम्स में क्वेश्चन नहीं आया, तो इस पे तो आया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए दोनों क्या करते हैं या तीनों क्या करते हैं, इपोक्सीडेशन कर देते हैं, तीनों क्या करते हैं इपोक्सीडेशन। तो देखो कैसे, देखो इपोक्सीडेशन क्या, देखो जैसे रिएक्शन है, तो रिएक्शन अगर RCO3H दिया हो तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अच्छा ये तो इपोक्सीडेशन रिएजेंट है। तो बस आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड इधर से हटेगा और इपोक्साई मतलब एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी जिसमें इपोक्सी ग्रुप लगा होगा। तो बस आपके क्या करते हैं, इपोक्सीडेशन करा देते हैं। तो ये रीजेंट्स आपके इपोक्सीडेशन करा देते हैं, तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, कि अपने 3 इपोक्सीडेशन रिएजेंट्स हैं। पहला क्या है RCO3H, दूसरा क्या है Ag2O, तीसरा क्या है MMPP। सो तो नहीं रहे हो, जागते रहना, सो ना जाना भाई, आज सो जाओगे तो बात खराब हो जाएगी। आज मेहनत कर लो, उसके बाद पूरी जिंदगी सोओगे ही। ठीक है ना, सोओगे तो नहीं, मतलब यह है कि आराम से निकलेगी जिंदगी। ठीक है ना, तो देखो गाइस, अच्छा एक चीज और मैं आपको इधर क्लियर कर देता हूं जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक
ठीक है ना। देखो अगर आपको रिएक्शन में लिखा हो कि Ag2O प्लस वाटर से अटैक करा, मतलब अगर देखो पहले तो मैंने आपको बताया Ag2O क्या होता है, Ag2O एक epoxidation reagent होता है, लेकिन Ag2O प्लस वाटर भी लिखा हो तब गाइस क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर आपको OH नेगेटिव देता है, इन दोनों का मिक्सचर आपका OH नेगेटिव देता है जो कि अटैक करता है रिएक्टेंट पे, जो कि मतलब ये अपना अटैकिंग स्पीसीज देता क्या है OH नेगेटिव। तो OH ने इन दोनों का मिक्सचर हमें OH नेगेटिव देता है तो हम OH नेगेटिव का अटैक करते हैं, तब इपोक्सीडेशन नहीं कराता। इपोक्सीडेशन अगर सिर्फ Ag2O है तब कराएगा, Ag2O प्लस वाटर हो तो हमें OH नेगेटिव देता है तो उसका OH नेगेटिव का अटैक होता है, जिसको मैं आपको SN1 रिएक्शन में बताऊंगा अभी कि OH नेगेटिव की सब्स्टिट्यूशन होती है, तो याद रखना लेकिन कि Ag2O सिर्फ हो तो epoxidation, Ag2O प्लस वाटर हो तो OH नेगेटिव आपको देता है एज ए अटैकिंग स्पीसीज। क्लियर है, ठीक है ना। तो सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट सब क्लियर कर दूंगा, दिक्कत ना रखो, ठीक है ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बारीक पॉइंट है आज के लेक्चर में, बहुत स्पेसिफिक रीजंस हैं जिनके बारे में काफी लोगों ने तो सुना तक नहीं होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्पेशली मेंस और मतलब एडवांस और एम्स के लिए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस विलियमसन रीजन के बारे में, किसके बारे में, विलियमसन रीजन के बारे में, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक रीजन है। देखो विलियमसन रीजन का फॉर्मूला क्या होता है, PH3, देखो PH का मतलब फिनाइल ग्रुप, देखो 3 फिनाइल ग्रुप फॉस्फोरस द होल थ्राइस, ठीक है, RuCl H, Cl क्लोरीन, H हाइड्रोजन, ठीक है ना, Ru मतलब ड्यूटेरियम, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, पहले आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि विलियमसन रीजन क्या होता है, A होता है। विलियमसन रीजन का फंक्शन क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन रीजन क्या करता है, रिड्यूस करता है टर्मिनल डबल बॉन्ड ओनली, क्या करता है, A सिर्फ टर्मिनल डबल बॉन्ड्स को ही रिड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए आपका क्वेश्चन है, मान लो दिया हुआ जेई में आ गया, ठीक है, या नीट में आ गया, जिसमें मर्जी मान लो जैसे आपकी श्रद्धा, ठीक है। तो इसकी अगर हम विलियमसन रीजन से रिएक्शन करा दें तो विलियमसन रीजन का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि बस एक टर्मिनल डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, टर्मिनल मतलब वर्ड एंड, मतलब जो एंड में डबल बॉन्ड होता है, टर्मिनल मतलब एंड डाला ना, टर्मिनल का मतलब क्या होता है एंड, तो जो एंड का एंड जो लास्ट में जो अपना चेन है, जो अपने चेन के जो लास्ट डबल बॉन्ड है टर्मिनल डबल बॉन्ड्स होते हैं उसको ही बस रिड्यूस करता है और किसी को नहीं करता। तो क्या करेगा, विलियमसन रीजन रिड्यूस ओनली टर्मिनल डबल बॉन्ड्स, तो बस आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस ए डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, ए नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनल डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट ए बनेगा। चलो सपोज करो आपका अगर ये बॉन्ड इधर होता, आपका ये बॉन्ड इधर होता, ठीक है, आपका बॉन्ड ए इधर होता, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनता, तब आपका प्रोडक्ट बनता ए, क्यों, क्योंकि अब दोनों ही टर्मिनल बॉन्ड है तो दोनों को ही रिड्यूस कर देगा विलियमसन रीजन, तो टर्मिनल डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देता है। लेकिन फिलहाल अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन ये है कि आपको क्लियर रहे सब कुछ, ठीक है ना, तो आपका प्रोडक्ट ए बनेगा। तो क्या करेगा विलियमसन रीजन, टर्मिनल डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है, सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये दो रीजन अपने क्लियर है, बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेशल रीजन है जो बच्चों को क्लियर नहीं होते, ठीक है, तो आज से याद रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ओ हो रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। देखो क्या काम क्या करता है, देखो एक्शन क्या है इसका, रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन इवन कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्केन तक ले जाता है, कहां तक, अल्केन तक। देखो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किया था, याद करो पिछले लेक्चर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता था, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करता था, ठीक है, एल्डिहाइड को 1 डिग्री में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में, और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता था, देखो NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट था, वो भी सबको रिड्यूस कर देता था एक्सेप्ट नेसन, किसको नहीं कर पाता था, नेसन को, है ना, नेसन को रिड्यूस नहीं करता, नेसन मतलब N मतलब निट्राइल, A मतलब अमाइड, C मतलब
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ई मतलब ईस्टर, एन मतलब निट्राइल, एन मतलब निट्राइल, ठीक है ना, नाइट्रो, सॉरी निट्राइल तो हो गया ना, पर नाइट्रो तो आपके एक काम है नेशन के, तो इनको रिड्यूस नहीं कर पाता था NaBH4, जिनको मैंने, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा उनको नेशन पता है क्या है, ठीक है, तो इनको रिड्यूस नहीं कर पाता, तो मतलब NaBH4 क्या करता था, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाता था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को कर देता था, ठीक है, इतना हमने देखा था। उसके बाद हमने दो रीजेंट और देखे थे, क्या देखे थे, एक देखा था जिंक अमलगम प्लस HCl, कहां देखा था, क्लेमेंसन रिडक्शन में, कहां देखा था, क्लेमेंसन रिडक्शन में किया था हमने, क्लेमेंसन रिडक्शन की थी। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता था, कार्बोनाइल ग्रुप या एल्डिहाइड या कीटोन भी कह सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन कहां कन्वर्ट होते थे, सीधा अल्केन में। देखो ये दूसरा क्या है, जिंक अमलगम प्लस HCl क्या करता था, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता था, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट, जिंक अमलगम प्लस HCl क्या करता था, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट, मतलब मैंने दो जगह बची नहीं थी तो मैंने, देखो इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं टू अल्केन, ठीक है ना, टू अल्केन, और इधर ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्केन में कन्वर्ट कर देता है जिंक अमलगम प्लस HCl, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और एक हमने और किया था वोल्फ किशनर रिडक्शन, दोनों आपको एक साथ कराई थी। वोल्फ किशनर रिडक्शन में क्या यूज करते थे रिजेंट हम, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव या OH नेगेटिव मतलब कोई भी अल्कलाइन मीडियम जैसे KOH, NaOH, तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो ये क्या है, वोल्फ किशनर रिडक्शन। तो वोल्फ किशनर रिडक्शन में भी क्या होता था, एल्डिहाइड कीटोन अल्केन में कन्वर्ट हो जाता था। तो जब इसका यूज करते थे वो क्या होती थी, क्लेमेंसन रिडक्शन, जब इसका रिड्यूस इसका यूज करते थे वो क्या होती थी, अपनी वोल्फ किशनर रिडक्शन। तो ये दोनों क्या करते थे, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देते, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाते थे। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर रहे हैं, बस अल्कोहल तक लेके जा रहे हैं, अल्कोहल तक लेके जा रहे हैं, लेकिन ए भाई साहब क्या कर रहे हैं, ए एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन तक लेके जा रहे हैं, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ए भाई साहब जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ले जाता है अल्केन तक, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं ले जा पाते, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन तक ले जाते हैं, और ए भाई साहब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो ऑर्गेनिक में अभी तक आपके जेई या नीट के सिलेबस में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देखा ही नहीं। तो बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी सोचो अल्केन तक ले जा रहा है, ना एल्डिहाइड तक ना अल्कोहल तक, सीधा अल्केन तक ले जा रहा है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आपको फंक्शन याद होना चाहिए, है ना, फंक्शन आपको पता है कि इसका काम का क्या होता है, हम मार्केट में जब लेने जाते हैं तो क्यों लेते हैं, इसका यूज क्यों होता है, क्यों हम इसको खरीदते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो इनके आपको फंक्शन पता होना चाहिए। जब तक आपको फंक्शन नहीं पता तब तक कैसे करोगे। देखो या तो आप हर चीज का मैकेनिज्म सीखो, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म ही है, अगर आप हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म करने लग जाओ तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका नीट का जो नीट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है या जेई का एग्जाम है, उसमें आपको टाइम बाउंडेशन होती है, टाइम बाउंडेशन होती है, तो हर एक क्वेश्चन को अगर आप मैकेनिज्म से करने लग गए तो आप पूरे पेपर में सिर्फ ऑर्गेनिक ही करते रह जाओगे, बाकी सब्जेक्ट को देख ही नहीं पाओगे। तो रीजन के फंक्शन बहुत जरूरी है, कुछ नो डाउट कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जिनको आपको आने चाहिए, और उसको मैं आपको कराऊंगा अभी, SN1 SN2 E1 E2 ऐसे मैकेनिज्म, ठीक है, और भी 2-3 और है तो उनको कराऊंगा, तो जितना आपके सिलेबस में पार्ट है उनको करेंगे, जितने भी आपके मैकेनिज्म सिलेबस में है सब करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हर एक रिएक्शन को मैकेनिज्म से करोगे तो डूब जाओगे, ठीक है ना, हर एक रिएक्शन को मैकेनिज्म से करोगे तो डूब जाओगे। और दूसरी बात, उनको आपका करने का टाइम कब आएगा, अगर आपके अंदर इच्छा बची रही तब, जब आप MTech करोगे, मास्टर्स करोगे या MSc BSc करोगे, तब आप उनका यूसेज सीखोगे, तब आप हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म से भी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आप मास्टर कर रहे हो ऑर्गेनिक को, ठीक है ना, अभी आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीटेक में एडमिशन या MBBS में एडमिशन लेने के लिए कर रहे हो, तो आप हर एक चीज अभी मैकेनिज्म से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन मैकेनिज्म से करोगे तो आपका टाइम बाउंडेड टेस्ट होता है, 3 घंटे में नीट वाले बच्चों को 180 क्वेश्चन करने होते हैं,
और जेई वाले बच्चों को 75 क्वेश्चन करने होते। तो अगर ऑर्गेनिक के अगर 10 क्वेश्चन, अगर आप मैकेनिज्म से हर एक 10 मैकेनिज्म उस टाइम पेपर में लिखोगे तो कैसे होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो फील। तो इसलिए डरो ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके सारे मैकेनिज्म जितने सिलेबस में है सब मैं कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, रीजेंट के फंक्शन याद होना जरूरी है, क्योंकि इनसे अपने क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। देखो, आपको अगर पता है कि विलियमसन रीजेंट का काम क्या है, बस वो टर्मिनल डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, तो बस आप प्रोडक्ट बना के निकल जाओगे। अगर इसी का आपको भी मैं मैकेनिज्म करा दूं तो आप क्या होगा, क्या भैया क्या करा दिया, इतना लेंथी, इतना सब कुछ लिखा भी दिया, ऐसे ऐसे घुमा के ले आए उधर, इससे चस्की नहीं बता देते। तो ये चीजें आपको मदद करेंगी आपका टाइम बचाने में, और ऐसी जेई और नीट क्रैक भी होता है टाइम, क्योंकि टाइम बाउंडेड टेस्ट है। क्लियर है ना। चलो, बहुत बकवास हो गई, ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं, तो क्लियर है सब कुछ। अब देखो, बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सीलेशन के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, आप पता नहीं प्रीवियस लेक्चर था कि उससे प्रीवियस था, मैंने आपको कराया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO कराया था, याद है। मैंने आपको तीन मेथड कराए थे अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाले। पहला मेथड था एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, जिसमें हम क्या करते थे, मार्कोनिकोव रूल लगाते थे प्लस रीअरेंजमेंट करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO, ठीक है, उसमें क्या करते थे, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते थे। एक मेथड और कराया था ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जिसमें हम सिर्फ मार्कोनिकोव रूल लगाते थे, रीअरेंजमेंट नहीं करते थे। जिस बच्चे ने मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं उनको सब समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो सीधा कूद के आए हैं इधर उनको नहीं समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक अलग क्वालिटी थी, आज के लेक्चर में एक अलग लेवल है, ठीक है ना। तो हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया था, अब बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सीलेशन की। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन में आया हुआ हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सीलेशन, लेकिन वो जो प्रोडक्ट लिखते हैं वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो ये कंफ्यूजन को आज से क्लियर रखना, बताता हूं क्या है। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको पता डाइब्रोन तो यूज होता था HBO में, और THF भी यूज होता था। एक चीज उसमें क्या यूज होता था, H2O2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उधर ऑक्सीडेशन कराते थे तो H2O2 यूज होता था, और इधर क्या है, हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सीलेशन। तो कार्बोक्सीलेशन है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। तो बस ये रीजंस में उनके फर्क है, लेकिन बच्चे मानते हैं कि डाइब्रोन है, THF भी दिया हुआ, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, HBO के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। HBO में आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। HBO में हमको अल्कोहल मिलता था, वाटर का एडिशन कराते थे हमें अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। इसमें क्या करेंगे अपना, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें आपको अल्कोहल मिलता था, इसमें आपको अल्केन मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। देखो कैसे, देखो पहले आपके पास अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है, अल्कीन की मैं देखो मैंने थोड़ा चेन के अकॉर्डिंग लिखा कि थोड़ा आपको दो स्टेप में लिखी है रिएक्शन, सीधा सीधा प्रोडक्ट नहीं बनाया इसमें, क्योंकि आपको बताना तो जरूरी था। देखो सबसे पहले BS3 लिख सकते हो, या B2S6 लिखो, या BS3 लिखो, एक बात है, क्योंकि BS3 डाइमराइज होकर ही B2S6 बनाता है। तो देखो, अब देखो आपको मैंने बताया HBO में क्या होता था, एंटी मार्कोनिक रूल लगाते हैं, तो इसमें भी एंटी मार्कोनिक रूल तो लगेगा। तो क्या होता है गाइस, देखो BS3 ऐड होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। तो BS3 कैसे गाइस हमें मिलता है, देखो BS3 दो तरीके से हमें मिलता है, एक BS2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। BS2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव की फॉर्म में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और इसको इनको बस BS3 को हमें मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना, तो उसके दो कंपोनेंट हमें बनाने पड़ते थे, जैसे वाटर के हम दो कंपोनेंट बनाते थे, एक OH नेगेटिव और एक H पॉजिटिव। तो इसके भी हमने दो कंपोनेंट बनते हैं ऐसा, एक BS2 नेगेटिव और एक H पॉजिटिव, और इसको अब एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दो। तो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे, तो देखो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था, नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मार्कोनिक रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट कहां लगता था, जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इधर नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है डबल बॉन्ड में, इधर एक ही है इधर दो है, तो BS2 अपना इधर लग जाएगा, H इधर लग जाएगा, सिंपल सी बात है। एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हमने BS3 की एडिशन करा दी, उसके बाद बस अब कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर दो। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड जब, उसके बाद हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो BH2 ग्रुप निकल जाएगा और इधर D आ जाएगा। D मैंने क्यों लिखा, D का मतलब क्या है, ड्यूटेरियम। मैं इधर H क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको थोड़ी क्लियरेंस देगा, इधर ये चीज आपको क्लियरेंस देगी
कि डाइब्रोजन से जो एच जाता है, देखो अगर मैं इधर हाइड्रोजन लिख देता, हाइड्रोजन लिख देता, ये तो मैंने आपको बीच में स्टेप लिखे ना, ये तो आपको मैंने बीच में एक स्टेप और ऐड कर दिया है, नहीं तो आपको तो ऐसे दिया होगा, ए दिया है, ए दिया है, और इसके इधर ए दिया होगा आपको BH3 THF, और साथ में ही इधर ही आपको RCOD भी, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया होगा, तो आपको सीधा ये चीज लिखनी है, आपको बीच वाला स्टेप लिखना ही नहीं होता उधर। लेकिन मैंने स्टेप क्यों लिखा कि आपको मैं बता सकूं कि डाइब्रोजन से जो एच निकलता है वो इधर लगता है, वो इधर लगता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एच निकलता है, क्योंकि अगर इधर एच ले लेता तो देखो, अगर एच ले लेता, अगर एच ले लेता तो आपको क्लियरेंस ना होती ना कि कहां कौन सा डाइब्रोजन, मतलब डाइब्रोजन से एच इधर आया कि डाइब्रोजन से एच इधर आया कि इधर आया, या कार्बोक्सिलिक एसिड से एच इधर आया कि इधर आया। तो डी से आपको, डी ड्यूटेरियम लेने का मतलब यही था कि आपको पोजीशंस पता लगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो डी आया, मतलब ड्यूटेरियम, वो कहां गया, और डाइब्रोजन से जो आया वो कहां गया। तो ये चीज क्लियरेंस करने के लिए दी थी कि पोजीशंस आपको क्लियर हो कि ए ग्रुप कहां डी लगा या डी लगा, अगर इधर एच होता तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड एच अपना इधर लगाता है और डाइब्रोजन अपना एच इधर लगाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, क्या बनाए, अल्केन बना, देखो सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये है आपकी हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता था, अल्कोहल बनता था, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग हम वॉटर को ऐड करते थे, हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, अल्केन बनता है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या यूज होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H2O2 यूज होता है, बाकी दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना, क्लियर, आई होप क्लियर हो, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, बहुत सिंपल बता दिया, ठीक है ना, ऐसी क्लियरेंस मिलती नहीं है जल्दी, ठीक है ना। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो H2O वाटर प्लस H2 भी बहुत यार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम देखो इसको HOX भी बोल सकते हैं, HO मतलब इन दोनों के मिक्सचर से ही हमें HOX मिलता है, अगर ये दिया होता है तब तो रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसकी एडिशन करना अल्कीन में तो बच्चे आराम से कर देते हैं, क्योंकि उनको मार्कोनी रूल आता है तो उनको पता है कि हाँ इसका नेगेटिव पार्ट क्या होता है, OH नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट होगा X नेगेटिव, देखो HOX का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, OH नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट X पॉजिटिव, तो बच्चे आराम से बस क्या करते हैं, आपको मतलब HOX दिया होता है तो क्या करते हैं, बस मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं और अपना प्रोडक्ट लिख देते हैं कि मतलब OH नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो बस OH इधर लगा देते हैं और X इधर लगा देते हैं, और आपका OH इधर लगा दिया, X इधर लगा दिया, प्रोडक्ट आपका बन गया। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको इसकी जगह A दिया हो, तो आपको आज से क्लियरेंस होनी चाहिए कि वाटर प्लस H2 हो तो उसका मतलब सेम होता है HOX के, जैसे ही आपको वाटर प्लस H2 दिखे तो समझ जाओ आपको क्या दिया हुआ है, HOX, तो बस उसके बाद तो HOX को वाटर के मतलब मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दो, आपका अल्कीन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्कीन वाला अल्कीन की एडिशन कर दो, बस काम हो जाएगा। देखो आपको पहली बात एक क्लियर है, वाटर प्लस H2 क्या होता है, HOX आपको पता है, HOX के दो कंपोनेंट बहुत सिंपल है, OH नेगेटिव एंड X पॉजिटिव, बस इसको अल्कीन में मार्कोनी को एडिशन कर दो, बस सिंपल सा काम, H2O प्लस X2। अच्छा इस देखो मैं लिखा मार्कोनी को एडिशन कर दो, इसमें एक चीज और है गाइस, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें क्या होती है, एंटी एडिशन, एडवांस में ऐसी चीजें पूछते हैं कि ये सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन, तो इसमें क्या होती है, एंटी एडिशन, क्या होती है, एंटी एडिशन। देखो देखो मैंने आपको बताया ना H2O, जैसे आपके रिएक्शन दी हुई है, मान लो आ गई आपकी जेई नीट में, तो वाटर प्लस H2 दिया हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये HOX ही है, X मतलब क्या है, कोई भी हैलोजन है ना, X तो अब क्लियर है, HOX ही है, ठीक है, तो आप बस OH नेगेटिव एंड X पॉजिटिव को मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दोगे, तो देखो नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो OH इधर लग गया, एंड X कहां लग गया, पॉजिटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इधर दो आएंगे, ठीक है ना, इधर दो आएंगे, तो एक छोटी मोटी यार समझ आया करना ना, कि थोड़ी बहुत अगर कुछ हो गया तो समझ आना कि तो 3 तो आ ही नहीं सकते थे, है ना, तो बस वो समझ आना, लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो इसमें OH और X कहां लगे, एंटी पोजिशन, OH नीचे X ऊपर, तो क्या होती है इसमें, एंटी एडिशन होती है। तो दो चीजें याद रखेंगे, वाटर प्लस H2 इज इक्वल टू HOX, एंड और इस HOX की एडिशन कैसे होती है, अल्कीन में मार्कोनिकोव एडिशन होती है, और कैसी होती है, कैसी आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो कैसी होती है, एंटी एडिशन होती है, सिंपल सी बात, आपका क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है ना।
अब देखो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। देखो ऐसी एक सिंपल सी और चीज है, देखो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप की अगर केसीएन से रिएक्शन कराएं, कार्बोनाइल ग्रुप के अगर हम केसीएन से रिएक्शन कराएं तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल। देखो इसमें तो आप सिंपली आप आराम से लिख दोगे रिएक्शन, है ना। देखो इसमें बस क्या करना होता है, ऐसे रिएक्शन में गाइस क्या करना होता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइड ढूंढो कि अटैक कहां करा सकते हैं। देखो आपको पता है कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो केसीएन में क्या होता है गाइस, केसीएन में क्या होता है, देखो केसीएन क्या होता है, केसीएन में क्या होता है, के पॉजिटिव एंड सीएन नेगेटिव होता है, के पॉजिटिव एंड सीएन नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात है, के पॉजिटिव एंड सीएन नेगेटिव होता है केसीएन में। तो बस देखो नेगेटिव सीएन नेगेटिव पर अटैक हो जाएगा पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा ना, जो इलेक्ट्रोफाइल है जो अपना न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर देगा, सीएन नेगेटिव पॉजिटिव पे इधर कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कर देगा। तो देखो सीएन नेगेटिव ने अटैक किया, सीएन नेगेटिव जब इधर अटैक करेगा तो एक ऑक्सीजन बॉन्ड इसका वापस आ जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड इसका स्प्लिट हो जाएगा और इस पे ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। उसके बाद बस हमने क्या किया, इसमें एच पॉजिटिव ऐड कर दिया, एच पॉजिटिव ऐड कर दिया तो मतलब एच टू कोई एसिड डाल दिया, एसिड से हमें एच पॉजिटिव मिलेगा तो बस ओ नेगेटिव के साथ एच पॉजिटिव लग जाएगा तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा ये देखो जो ये आपका पहले मैंने कंपाउंड बनाया था उसको बोलते हैं हैलोहाइड्रिन। हैलोहाइड्रिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, हैलोहाइड्रिन कंपाउंड क्या होते हैं गाइस, हैलोहाइड्रिन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें OH ग्रुप भी हो, जिसमें OH ग्रुप भी हो और X भी हो, जिसमें OH भी हो और X भी हो, तो उन कंपाउंड को बोलते हैं हैलोहाइड्रिन, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हैलोहाइड्रिन। अब देखो जो आपका दूसरा प्रोडक्ट बना, देखो जो हमने दूसरी रिएक्शन लिखी थी कि कार्बोनाइल ग्रुप की हमने रिएक्शन कराई थी केसीएन से, तो सबसे पहले अटैक तो बहुत सिंपल आपने करा दिया, सीएन इधर अटैक हुआ तो ऑक्सीजन पर ऑन एक्टिव आ गया, उसके बाद आपने एच पॉजिटिव का अटैक करा दिया, तो एच पॉजिटिव अटैक करा दिया तो ये बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, क्यों, क्योंकि इसमें देखो क्या है, साइनो ग्रुप भी है जिसको निट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, तो निट्राइल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो निट्राइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सेम कार्बन तो उसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, तो याद रहेगा ठीक है ना। तो इसका याद रखना कि हैलोहाइड्रिन क्या बोलते, क्या होता है, साइनोहाइड्रिन क्या होता है, कभी कभी एडवांस में फंसा देता है ठीक है ना, तो वर्ड को क्लियर रखना कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस कंपाउंड, इसका कंपाउंड क्या होता है, इसका कंपाउंड क्या होता है, हैलोहाइड्रिन मतलब जिसमें OH और X हो, साइनोहाइड्रिन मतलब जिसमें OH और CN हो, OH और CN हो। देखो हाइड्रिन से आप याद रख सकते हो कि हाइड्रिन का मतलब OH, हाइड्रिन का मतलब OH, तो हेलो मतलब हेलोजन होगा, हाइड्रिन मतलब OH होगा, इसलिए साइनोहाइड्रिन का मतलब, साइनो मतलब साइनो ग्रुप है, हाइड्रिन मतलब OH है, तो इसमें साइनोहाइड्रिन मतलब CNOH, हैलोहाइड्रिन मतलब हैलोजन ग्रुप और क्या अपना OH ग्रुप, तो आपके दो कंपाउंड है, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कभी कभी पूछ लेते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि साइनोहाइड्रिन होता क्या है ठीक है ना, तो इनको याद रखना ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एमएस चौहान में बहुत प्यारे क्वेश्चन है इसके और आपके एडवांस में आ भी जाती है, एम्स पे भी आ जाते हैं ठीक है ना। एडवांस एम्स बोलू तो यार समझ जाया करो कि दोनों की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई गुस्सा ना हो जाना कि भैया एडवांस को ज्यादा बोल रहे हो एम्स को बोल नहीं रहे हो, एम्स को ज्यादा बोल रहे हो एडवांस को बोल नहीं रहे हो, सबके लिए यार आपको पता है कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। तो सिलेबस तो दोनों के लिए सेम है, 11th 12th उधर भी आनी है, 11th 12th इधर भी आनी है, बस उधर एडवांस में थोड़ा लेवल ज्यादा होता है, एम्स में थोड़ा सा कम होता है ठीक है ना, बस थोड़ा सा फर्क इतना ही है, लेकिन हाँ उसमें भी ऐसी चीजें आती हैं ठीक है ना, आपको भी पता है जो नीट जेई की तैयारी, नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है कि ऐसी चीजें आती हैं ठीक है ना। होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, देखो होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो क्या होता है, रीजेंट क्या यूज होता है इसमें, पहले ये देखो एक्सएस से CH3X मिथाइल, देखो हेलो मिथाइल, हेलो मिथाइल प्लस मोइस्टी Ag2O, मोइस्टी Ag2O, मोइस्टी Ag2O मतलब मोइस्टी हो ठीक है, मोइस्टी Ag2O प्लस एक्सएस CH3X, ये आपका रीजेंट यूज होता है। और ये होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन गाइस रिएक्शन किसमें शो होती है,
ओ कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो और नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, तब होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होती है। फॉर एग्जांपल, बहुत प्यारी एग्जांपल है, इसके प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना आपको प्रोडक्ट लिखने आने चाहिए। देखो क्या है, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर समझ जाओगे। देखो आपका मैंने रिएक्शन लिया, एक रिएक्टेंट लिया आपका, तो इसमें देखो नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन में पता आपको कि एक लोन पेयर होगा और इधर हाइड्रोजन अटैच है। तो देखो इसको मैं आपको बताता हूं कि इसका आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है लिखना। देखो सबसे पहले आपको इस चीज से क्लियर होनी चाहिए, एक्सेस CH3X प्लस मोइस्टी Ag2O दिया हो तो समझ जाना कि होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो रही है, क्लियर है। तो देखो एक्सेस CH3X क्या करेगा, पहले सबसे पहले एक्सेस CH मतलब एक्सेस का मतलब ज्यादा अमाउंट में है, क्लियर सिंपल सी बात है, ठीक है। तो CH3X है तो क्या करेगा, CH3X क्या करेगा गाइस, दो इधर लग, देखो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लग जाएगा नाइट्रोजन पे और लोन पेयर की जगह भी मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। देखो हाइड्रोजन की जगह CH3 लग जाएगा और लोन पेयर जगह भी मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो दो मिथाइल ग्रुप लग गए, ठीक है। जितने मैक्सिमम मिथाइल ग्रुप लगने पॉसिबल हैं उतने नाइट्रोजन पे लग जाएंगे, तो दो ही पॉसिबल थे क्योंकि एक तो दो तो कंपाउंड तो चेन से बने तो बने ही हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते थे और एक लोन पेयर की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा सकते। तो बस सबसे पहले क्या करेगा, CH3X है मतलब ज्यादा अमाउंट में है तो दो मैक्सिमम पोजीशन जितनी ऑक्यूपाई कर सकता है उतनी ऑक्यूपाई कर लेगा, तो दो CH3 ग्रुप लग गए। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों आया, क्योंकि इसने एक बॉन्ड ज्यादा बनाया। अब बस आपको क्या करना है, जो बीटा पोजीशन होगी बस उधर को बॉन्ड शिफ्ट करना है। देखो बीटा पोजीशन क्या, देखो ये नाइट्रोजन है तो ये अपनी अल्फा पोजीशन हुई, ये अपनी बीटा पोजीशन हुई, इसी तरह ये अल्फा पोजीशन है ये बीटा पोजीशन है, तो देखो बस क्या करना है, देखो काम अब क्या होगा, ए बॉन्ड अब स्प्लिट होगा, जो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है ये स्प्लिट होगा। क्यों स्प्लिट होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, जो ए पॉजिटिव चार्ज ये जो बॉन्ड है ये स्प्लिट होगा, बॉन्ड टूटेगा और जो इसमें इसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन ले लेगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा, देखो ए बॉन्ड टूटेगा मतलब इसके जो सारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें अगर जब जाएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इधर इधर क्या आया, देखो ऐसे होगा कि ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया और इस पे ये बॉन्ड टूट जाएगा और नाइट्रोजन का चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, नाइट्रोजन का चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, इधर अपना आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर अपना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इधर स्वाइप बॉन्ड गया, गायब हो गया, दुख हो गया बंदे को, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर देखो इधर डबल बॉन्ड, पहले इधर सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड पूरा स्प्लिट हो गया, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, जब इधर पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद जब इधर न्यूट्रलाइज किया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड दोनों ही इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब बस क्या होगा, बीटा पोजीशन से एच पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन होगी तो एच पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, तो एच पॉजिटिव इधर से बाहर निकल जाएगा बीटा पोजिशन से, तो क्या बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एच पॉजिटिव अगर बाहर निकल गया, बीटा पोजिशन से एच पॉजिटिव बाहर निकल गया, अभी इसका एक सिंपल मेथड भी बताऊंगा, तो एच पॉजिटिव जब बाहर निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो बस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बना लेगा, नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बना लेगा, तो आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सा काम ए है, ठीक है। एक तो सिंपल सा एक्सप्लेन करने का तरीका ए भी था, एक सिंपल सा एक्सप्लेन करने का तरीका ए भी था, और सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, आपको सीधा प्रोडक्ट लिखना तो भी आराम से लिख सकते हो, बस क्या करो, देखो बस सीधा काम क्या होगा, एक्सेस CH3 है तो बस दोनों पहले मैक्सिमम CH3X ग्रुप लगा दो, उसके बाद बस क्या करो, एक बॉन्ड स्प्लिट कर दो और जहां से बॉन्ड स्प्लिट किया उधर बस डबल बॉन्ड लगा दो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने देखो क्या किया, बस आपने दोनों पहले मिथाइल ग्रुप लगा दिए, मैक्सिमम मिथाइल ग्रुप लगाए, उसके बाद बॉन्ड को स्प्लिट कर दिया, ए बॉन्ड स्प्लिट हुआ था तो इस कार्बन पे जिस कार्बन का बॉन्ड स्प्लिट होगा उस पर डबल बॉन्ड लगा दो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर देखो अगर इधर तक की रिएक्शन होती, देखो इधर, अच्छा इसको मोइस्टी लिख दें, तो ये आपका मोइस्टी, तो अगर देखो पहले एक्सेस CH3X प्लस मोइस्टी Ag2O है तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अगर मान लो फिर आगे दे दें, ऐसे आता है एडवांस में एम्स में भी कि ऐसे और आगे दे दें, या तो दे दें कि इधर मतलब या तो दे दे कि फिर से एक बार रिएक्शन कराओ, पहले आपको इधर जब एक बार ऐसे दिया तो आपने इधर तक तो लिख दिया, आपने इधर तक प्रोडक्ट लिख दिया, और एक बार फिर दे दिया कि अब इसकी भी फिर आगे रिएक्शन कराओ, तो बस सेम काम फिर वही होगा, बस क्या होगा, देखो अब इधर लोन पेयर फिर आ गया, अब नाइट्रोजन भी इधर लोन पेयर फिर है ना, इस पे देखो दो बॉन्ड फिर आ गए थे ना, क्योंकि हमने बॉन्ड इससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, तो इधर लोन पेयर फिर आ गए थे,
तो अब बस क्या होगा, लोन पेयर को फिर मिथाइल ग्रुप दो, लोन पेयर को फिर मिथाइल ग्रुप दोगे तो इधर CH3 ग्रुप लग जाएगा, इधर CH3 ग्रुप लग जाएगा, तो फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब अब CH3X रिएक्शन कराओगे तो आपका फिर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ए वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ए वाला बॉन्ड टूटेगा तो जहां जिस कार्बन का बॉन्ड टूटा उधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये अपना ग्रुप बाहर आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप अपना चेन से बाहर हो गया। तो बस आपका काम ए होगा। और सिंपली प्रोडक्ट लिखना, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि कैसे आपको प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो देखो बहुत सिंपल है प्रोडक्ट लिखना, तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो देखो एक मिनट इसको लिखो, इसको प्रॉपर लिख दूं मैं, है ना। तो देखो बस आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, पहले आपने जब HCl CH3X और प्लस मोएस्टी Ag2 से जब एक बार रिएक्शन कराई, तो आपका बस आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है, बस दो CH3 जो मतलब मैक्सिमम CH मिथाइल ग्रुप जितने आप लगा सकते हो लगा दो। तो इधर एक मिथाइल ग्रुप इधर लग सकता है हाइड्रोजन की प्लेस में और एक लोन पेयर की प्लेस में, तो पहले हमने लगाए। उसके बाद बस क्या करो, एक बॉन्ड कोई भी स्प्लिट कर दो, एक बॉन्ड कोई भी स्प्लिट कर दो, तो जहां से बॉन्ड स्प्लिट होगा, जिस कार्बन से बॉन्ड स्प्लिट होगा उस कार्बन पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। देखो इधर CH3 ग्रुप लग जाएगा, इधर भी CH3 ग्रुप लग जाएगा, दो CH3 ग्रुप लग सकते थे लगा दिए, उसके बाद डबल बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा और जहां से डबल बॉन्ड स्प्लिट हुआ उधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, एक आपका फाइनल प्रोडक्ट ए बन गया। अगर ऐसे भी दे दे, अगर ऐसा कह दे दे कि एक बार और कराओ, एक बार और कराओ, तब फिर क्या होगा, आपको पता है कि इधर एक और CH3 ग्रुप लगेगा, CH3 ग्रुप लगेगा, बस क्या होगा मैक्सिमम मिथाइल ग्रुप लगा दो, मैक्सिमम मिथाइल ग्रुप लगा के उसका जो नाइट्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है उसको स्प्लिट कर दो, और कार्बन से कार्बन का जब बॉन्ड स्प्लिट होगा, जिस कार्बन का बॉन्ड स्प्लिट होगा उधर बस डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ए बॉन्ड स्प्लिट होगा, ए बॉन्ड स्प्लिट होगा तो इस कार्बन का बॉन्ड स्प्लिट हुआ तो इधर डबल बॉन्ड एक और आ जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ए बन जाएगा। तो दैट्स ऑल, इट इज कॉल्ड होफमैन मिथाइल, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बस आपने पहले क्या किया, एक बार ए बॉन्ड स्प्लिट किया, इधर डबल बॉन्ड लगाया, और अगर एक बार और कराते तो इधर वाला बॉन्ड भी स्प्लिट करते, इधर भी डबल बॉन्ड लगा देते, तो आपका ये दो प्रोडक्ट बन सकते थे अगर हम रिएक्शन को आगे भी कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो ये आपके दो सिंपल से प्रोडक्ट है, तो इसी को बोलते हैं होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। बहुत ज्यादा आती है एडवांस में, आपके MS-1 के एडवांस प्रॉब्लम में बहुत आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कर लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो मैंने आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराई थी, अब बात करते हैं थोड़ा उसमें मैकेनिज्म आना अपने को जरूरी है क्योंकि वो एडवांस और एम्स में काम आता है। देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको क्या बताया था कि एनोड में अपना क्या बनता था, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते थे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस याद है, अभी कराई थी यार, जस्ट अभी पिछले लेक्चर में, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट की जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तब हमें एनोड पे क्या मिलता था, एनोड पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था, एनोड पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था, और क्या सॉरी एनोड, देखो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, गाइस लाइट ब्लिंक कर रही है क्या, तो चलो कोई बात नहीं है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट की जब हम रिएक्शन कराते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट की अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन कराते थे तो हमें एनोड पे क्या मिलता था, एनोड पे हमें अल्केन मिलता था, एनोड पे हमें अल्केन, क्योंकि एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमें फिर अल्केन मिलता था और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती थी, याद है, आई होप यार कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस याद होना चाहिए। कैथोड में क्या होती थी रिडक्शन, तो कैथोड पे हमें क्या मिलता था हाइड्रोजन मिलता था, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलता था। तब देखो अब मैं आपको उसका मैकेनिज्म बताता हूं, देखो मैकेनिज्म अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस की बात कर रहे हैं अब या एम्स की। तो हम देखो सिंपल सा काम क्या करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट होता था तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो हमें अल्केन मिलता था, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला। तो अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या है इसका मैकेनिज्म, में आपको क्या बनता है इंटरमीडिएट, क्या बनता है रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या बनती है फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, क्या बनता है आपका फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। देखो होता क्या है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो देखो बस पहले क्या होता है एनोड, हम एनोड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें एनोड में देख रहे हैं कि अल्केन बन कैसे रहा है, अल्केन आपको पता है एनोड में बन रहा है, तो एनोड वाली रिएक्शन मैंने लिखी है। तो एनोड पे क्या होता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है तो आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। देखो इसमें क्या था, इसमें दो लोन पेयर तो थे ही ऑक्सीजन पे, और एक लोन पेयर एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट था। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया,
एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक रह गया, एक देखो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, देखो इसके दो लोन पेयर तो है ही है वैसे के वैसे ही। अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक तो हमने ऑक्सीडेशन से बाहर निकल गया, लॉस हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब बस क्या होता है, इधर से लोन पेयर, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देखो अब इधर भी ऐसे होमोलिटिक मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी मतलब एक फ्री एक एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, मतलब बात क्या आएगी कि एक रेडिकल, देखो एक फ्री रेडिकल, एक अपना रेडिकल, एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा जब इधर भी बॉन्ड स्प्लिट होगा। तो बस अब क्या होगा, बस रेडिकल और रेडिकल कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और एक आर रेडिकल आ जाएगा। तो ऐसे रेडिकल जनरेट होता है। तो आपको याद रखना है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल बनता है। इसका यूज कैसे होगा भैया, देखो आपको मेंस लेवल में कैसे आता कि बस मेंस या नीट लेवल में कैसे आता कि कार्बोक्सिलिक एसिड की आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो आपको पता है कि हाँ अल्केन बनता है, तो आप सीधा लिख देते हो। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल आपको ये एग्जांपल आ गई, एक क्वेश्चन आ गया, उसमें आप देखो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इधर आपको मैकेनिज्म अगर आता हो तब आपका एडवांस का लेवल बनता है, तब आपका क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। देखो आपको बस सिंपल सा क्या करना है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में सिंपल सा काम आपको क्या करना है, बस CO2 ग्रुप निकाल दो, CO2 ग्रुप निकाल दो, आर रेडिकल बनता है। देखो हमने क्या करा पूरे प्रोसेस में, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, देखो अपना ये था एनोड पे क्या हुआ, पहले अपना ए ग्रुप था, फाइनली हमें क्या मिला, आर रेडिकल। तो आर रेडिकल आगे कंबाइन, आर रेडिकल दो कंबाइन होकर आपस में आर बना देते हैं, ठीक है, आर रेडिकल आपस में कंबाइन होकर अल्केन बना देते हैं। तो बस आपको काम करना वही है, आपको देखो बस क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करो और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे आर रेडिकल लगा दो। देखो इधर पहले क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ था, बस कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव किया, आर पे फ्री रेडिकल लगा दिया। तो अब इसमें भी बस क्या करोगे, देखो इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो बस इधर एक फ्री रेडिकल आएगा, इधर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा इसको रिमूव करोगे, इधर एक फ्री रेडिकल आएगा, तो दो आपके पास फ्री रेडिकल आ गए। बस और ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में ऐसे मतलब बॉन्ड बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड और बन जाएगा, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अब अपना इधर क्या बना, इधर बना अपना इथीन, इधर बना अपना इथीन। और आपने देखा था आपके एनसीईआरटी लेवल पे आपने क्या किया हुआ है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में अल्केन बनता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में अल्केन बनता है। तो इधर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो अब इसमें क्या बन रहा है, अल्कीन बन रहा है। तो इस मैकेनिज्म को कराना इसलिए जरूरी था कि आपको अल्कीन बनाना आ जाए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, क्लियर है। बस आपको प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, बस जो अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी जगह पे क्या आएगा, रेडिकल आ जाएंगे और ये रेडिकल देखो आपस में कंबाइन होके आपको डबल बॉन्ड दे देंगे, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो क्लियर है इधर तक, आई होप गाइस इधर तक आपको काफी नॉलेज गेन हुई हो, काफी एक्सपोजर मिला हो, काफी मजा आया हो, काफी एडवांस लेवल को टच या एम्स लेवल को टच किया हो, ठीक है ना, एम्स और एडवांस लेवल का फ्लेवर मिलना स्टार्ट हुआ हो, ठीक है ना। तो उस टाइम भी करेंगे अच्छी खासी सीरीज, उस टाइम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले मेंस और नीट पे फोकस रखते हैं। नीट के लिए मैथ्स है यार, नीट का इससे हद है, हद पार है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। एडवांस के लिए कुछ करेंगे थोड़ा बहुत और भी इधर, मतलब एडवांस के भी हम एक मैक्सिमम हाफ से ऊपर मतलब 50-70-80% कर चुके हैं, उसका 10-5% रहता है उसको हम कर लेंगे, जैसा फिनोकोल फिनोल रिएक्शन से सब जो रिएक्शन है इनको भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन एडवांस के टाइम अभी मेंस में कुछ भी उनकी गारंटी आएगा ही नहीं हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं गाइस फंक्शन ऑफ NBS, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो इसका फंक्शन क्या होता है, देखो ये भी बहुत प्यारा फंक्शन होता है इसका। देखो क्या पहली बात आपको ये पता हो कि NBS की फुल फॉर्म क्या होती है, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, आपको बस NBS याद हो उतना ही बहुत है। तो देखो गिव NBS क्या करता है, आपको Br नेगेटिव देता है, क्या देता है, Br रेडिकल देता है, आपको क्या देता है, Br रेडिकल। तो देखो NBS का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, कॉज ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक एट एंड बेंजाइलिक पोजीशन, क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है, ब्रोमीन का एडिशन करता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, ओनली सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ही ब्रोमीन की एडिशन करता है, क्लियर है बात। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये क्या करता है, मतलब एलाइल, क्योंकि आपको पता है रेडिकल जनरेट करता है, मतलब इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो ये क्या करता है, सिंपली एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल जनरेट करता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो देखो ये आपका
फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड लिया मैंने एनबीएस इन प्रेजेंस ऑफ सीसीएल4 एज ए सॉल्वेंट लिया, ठीक है, ना भी दिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो क्या होगा, बस एनबीएस क्या करता है, देखो आपकी एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, आई होप क्लियर हो। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन, तो ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक कार्बन है, तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या करता है, फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है, फ्री रेडिकल जनरेट किया और बस आपका बीआर रेडिकल भी इधर लग जाता है। तो बीआर एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेते हैं, तो दैट्स ऑल आपका प्रोडक्ट है। ए आपका मेंस के लेवल तक इधर तक सही है या नीट के लेवल तक। एडवांस में आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तब आपको मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एनबीएस क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पे क्या लगाता है, फ्री रेडिकल बनाता है। और फ्री रेडिकल आपको पता है कि आगे रीअरेंज कर सकता है, फ्री रेडिकल आगे रेजोनेंस करके रीअरेंज कर सकता है। तो अब देखो, अगर अब देखो इसकी अगर इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए तो एक रेडिकल इधर आएगा, एक रेडिकल इधर आएगा, एक रेडिकल इधर आया, एक रेडिकल इधर आया, और ए रेडिकल और रेडिकल कंबाइन होके इधर बॉन्ड बन जाएगा और ए रेडिकल इधर आ जाएगा। तो देखो दो पोजीशन पर रेडिकल पॉसिबल है। देखो एडवांस में अब आ गए हम कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लें, प्रोडक्ट लिखना तो बहुत सिंपल था, मेजर प्रोडक्ट आपका ही होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिख देते तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में एक ए भी होता, वो कैसे बनता, और तभी आप बना पाते जब आपको पता होता कि एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल जनरेट होता है। एलाइलिक पोजीशन में रेडिकल जनरेट हुआ तो इसकी रीअरेंजमेंट होगी, तो एक रेडिकल देखो स्प्लिट हुआ और इधर एक बॉन्ड बन गया, इसका ए रेडिकल और ए रेडिकल कंबाइन होकर बॉन्ड बना दिया और रेडिकल अब इधर आ गया, पहले रेडिकल कहां था, इधर, अब रेडिकल कहां इंटरचेंज होकर आ गया, इधर आ गया। तो आपके दो रेडिकल की लोकेशन पॉसिबल है, दो रेडिकल की लोकेशन पॉसिबल है, तो एक बार हमने बीआर इधर लगाया और एक बार बीआर हमने इधर लगाया, तो आपके दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो एडवांस में आ गए, थोड़ा मूव ऑन ऑल कर गए, मेंस में इधर तक ही आता कि बस इधर दिया होता तो आप एक प्रोडक्ट लिख देते कि एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देते, लेकिन एडवांस की बात करें तो भाई थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो आपका एनबीएस का फंक्शन क्लियर है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करता है, अपना ब्रोमीन लगा देता है, लेकिन हाँ रीअरेंजमेंट हो तो एक बार करा देना कि आपको अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है तो दो बन रहे हैं इसमें, देखो है ना। वैसे एलाइलिक पोजीशन में बीआर लगता है तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है वैसे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके दो हैं। तो ये बताना जरूरी था कि इसका जो फ्री रेडिकल है उसको डीलोकलाइज भी कर सकते हैं, उसको डीलोकलाइज भी कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो गाइस नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, देखो मैंने रिएक्शन ली है, देखो मैंने आपको कराई थी ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, OMDM कराई थी। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होता था, अल्कीन में हम वाटर की एडिशन करते थे, कैसे वाटर की एडिशन कैसे करते थे, कैसे बोलो जल्दी बोलो, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, रीअरेंजमेंट नहीं करते थे, बस वाटर की एडिशन करते थे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। तो देखो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में रिएजेंट क्या यूज होता था, क्या होता था, HgOAC2NaBH4+ वाटर। तो आपको पता है अल्कीन है, अल्कीन में बस मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करोगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो दोनों पोजीशन सेम ही है, तो कहीं भी OH लगा सकते हो, कहीं भी H लगा सकते हो, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा बाय ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अब आया जैसे मैंने इधर आपको बताया था हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सीलेशन, एक थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसमें जैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है वैसे इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बच्चे आया होता है उनको AMDM, AMDM का मतलब क्या, अल्कोक्सी, इधर ए का मतलब क्या है अल्कोक्सी, बाकी तो तीन वर्ड उसके जैसे ही हैं, अल्कोक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन, अल्कोक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन। तो बच्चों को आया तो होता है अल्कोक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन, लेकिन वो प्रोडक्ट लिख देते हैं ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन, क्यों, क्योंकि उनको सिलेबस में या उनके एनसीईआरटी में ज्यादा अगर ए ही, उनके एनसीईआरटी में रिएक्शन ए ही है, अल्कोक्सी मर्कुरेशन डी मर्कोक्सीलेशन नहीं है, तो लेकिन मतलब सिलेबस एनसीईआरटी में या उनके नोट्स में ज्यादा अगर ए ही बताया जाता तो उनको याद ही ये रहती है, याद ही नहीं रख पाते, तो इसको आज से इसीलिए मैं दोनों एक साथ लेके आया हूं कि आपका दिमाग को खोले, आपकी आत्मा को खोले। तो ऑक्सी मर्कुरेशन डी, देखो हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सीलेशन में क्या यूज होता था, हाइड्रोबोरेशन कार्बोक्सीलेशन में देखो क्या यूज होता था, B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस THF, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में B2H6H2O2+ THF। तो इसी तरह ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या यूज होता था, HgOAC2 NaBH2 NaBH4 सॉरी
प्लस वॉटर, ठीक है, ऑक्सीमल्कुलेशन डीमल्कुलेशन में यूज होता था। और देखो इसमें भी दो चीजें सेम थी, इसमें भी दो चीजें वही थी जो हाइड्रोग्रेशन ऑक्सीडेशन में यूज होती थी, और ऑक्सीमल्कुलेशन डीमल्कुलेशन और AMDM में भी दो चीजें सेम ही है, HDOC और NaBH4, ये दोनों चीजें सेम ही है। बस फर्क कहां आया, इसमें वॉटर यूज करते थे, इसमें वॉटर यूज करते थे, इसलिए हम वॉटर की एडिशन कराते थे मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। और इसमें इथेनॉल होता है, इसमें इथेनॉल होता है, इसमें क्या यूज होता है, इथेनॉल। तो जब इथेनॉल यूज होता है तब उसको बोलते हैं अल्कोक्सी मल्कुलेशन डी मल्कुलेशन, और जब वॉटर यूज हो तो ऑक्सी मल्कुलेशन डी मल्कुलेशन। तो बस आप क्या करें, इसमें बस क्या होगा, इसमें बस आप इथेनॉल की एडिशन कराते हो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, इथेनॉल की एडिशन कराते हो मार्कोनी का रूल, और इथेनॉल की आप कंपोनेंट्स ऐसे लिखते हो, देखो ये आपका इथेनॉल है, तो बस ऐसा लिखते हो कि CH3 CH2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, कि आपका नेगेटिव कंपोनेंट ये है, O नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव कंपोनेंट है और ये आपका पॉजिटिव कंपोनेंट है। तो बस इसको अब बस आपको ऐड कर देना मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। तो इधर तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों पोजीशन सेम ही है, दोनों में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही है, तो जाइए आप इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, बात एक ही है। तो बस आपको समझाना इधर यही था कि अल्कोक्सी मल्कुलेशन और डीमल्कुलेशन और ऑक्सी मल्कुलेशन डीमल्कुलेशन फर्क याद रखना। इधर आपको क्या लगा, अल्कोक्सी ग्रुप लगा, अल्कोक्सी ग्रुप लगा, और इधर आपका अल्कोहल ग्रुप लगा। जैसे इसमें कंफ्यूजन होती है वैसे इन दोनों में भी कंफ्यूजन होती है, तो इसको आज से क्लियर रखेंगे, ठीक है ना, बात क्लियर है। जैसे HBO हाइड्रोग्रेशन कार्बोक्सिलेशन में कंफ्यूजन क्लियर है आपको, उसी तरह इन दोनों में भी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। अब देखो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की टाइम आ गया है। देखो बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर एडिशन रिएक्शन। गाइज जब किसी रिएक्शन में अगर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है और एडिशन भी हो सकती है, तब सब्स्टिट्यूशन फेवर करती है एडिशन को, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, मतलब सब्स्टिट्यूशन जीत जाती है एडिशन से। कि मतलब देखो जैसे एग्जांपल से देख लो, जैसे आपका एक आपका क्वेश्चन है, आपने HBr लिया, काफी मतलब 99% बच्चे क्या करेंगे, इस अल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड है इसमें HBr की एडिशन कर देंगे, मार्कोनी रूल लगा के एडिशन कर देंगे, बहुत क्यूट बनेंगे कि मैंने एक Br इधर लगा दिया कि H इधर लगा दिया, काम खत्म, प्रोडक्ट बन गया। और लेके आएंगे क्या, लेके आएंगे माइनस एक नंबर, ठीक है ना, क्योंकि उनको ये पॉइंट क्लियर नहीं है। तो आज से याद रखेंगे, देखो अब इधर क्या है, इधर देखो दो चीजें पॉसिबल है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि HBr को इस डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड की जगह पे ऐड कर दें, कि एक जगह H लगा दें, एक जगह Br लगा दें। और एक चीज ये पॉसिबल है कि सब्स्टिट्यूशन कर दें कि क्लोरीन की जगह पे Br लग जाए, क्लोरीन की जगह पे Br लग जाए। तो जब सब्स्टिट्यूशन भी किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है और एडिशन भी पॉसिबल है, तो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट। मतलब सब्स्टिट्यूशन जीत जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ फास्टर रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन होगी इधर, ना कि एडिशन होगी, तो आपका इधर क्लोरीन की जगह Br लगेगा, आपका ए प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपका मतलब ए प्रोडक्ट बनता है लेकिन माइनर क्वांटिटी में बनता है, और हम ऑर्गेनिक में माइनर प्रोडक्ट जल्दी कंसीडर नहीं करते। तो आपका ए प्रोडक्ट भी बन सकता था कि एक जगह हमने Br लगा दिया, एक जगह हमने Br लगा दिया और एक जगह हमने H लगा दिया, ठीक है ना, एक जगह इधर डबल बॉन्ड हो तो था ही, इधर डबल बॉन्ड होता था ही आपका, तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता था, ये भी प्रोडक्ट आपका बन सकता था, लेकिन ये माइनर में होता है, ये आपका माइनर में होता है, और आपको ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट ही पूछते हैं। तो आपका क्या होगी, आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर एडिशन रिएक्शन। मतलब जब सब्स्टिट्यूशन एडिशन दोनों पॉसिबल है तो हम क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो हमने सब्स्टिट्यूशन कराई, वो प्रोडक्ट बनाया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कि बस एक ग्रुप को हटाना, दूसरे ग्रुप को लगाना, सब्स्टिट्यूट करना, तो क्लोरीन निकला, ब्रोमीन लग गया। एडिशन का मतलब क्या कि इसको ऐड करना, तो बस देखो HBr ऐड होता, इधर HBr ऐड होता, कुछ कोई एटम रिमूव नहीं हुआ। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक चीज को निकाला, दूसरी चीज को लगाया। एडिशन में क्या होता है, बस किसी चीज को निकालते नहीं है, बस ऐड ही करते हैं। तो देखो बस कोई चीज निकली नहीं थी, बस डबल बॉन्ड खत्म हुआ था और HBr लगा था।
तो जब सब्स्टिट्यूशन एडिशन दोनों पॉसिबल है तो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, सिंपल सी बात ए है, ठीक है ना। तो ये आपको एक बहुत प्यारी सी एग्जांपल भी दे दी है, ठीक है। अब देखो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में बहुत ही यार एक्सपोजर मिल रहा है आपको, ठीक है ना। ऐसा मुझे मतलब दो, जब मैं पूरा 6-7-8 महीने 10 महीने 15 महीने जब मेहनत करता था तब जाके पॉइंट्स मुझे मिलते थे, जो कि मैं आपको 16-17 लेक्चर में ही दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं। देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या, जो वाटर को रिमूव कर देते हैं, जो वाटर को रिमूव कर देते हैं। तो देखो आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट जितने भी सिलेबस में हमने सब लिखा दिए एक साथ। देखो क्या क्या है आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H3PO4 हीट, H3PO4 प्लस हीट, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट, Al2O3 प्लस हीट, P4O10, P4O10 प्लस हीट, POCl3 प्लस पिरिडिन, ठीक है। ए जितने ए पांच जो आपके मैंने दिखाए हैं, ए पांचों के पांचों क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब कि अगर क्वेश्चन में कभी आपको ये दिया हो तो समझ जाओ कि ये क्या करता है, वाटर को रिमूव कर दे मॉलिक्यूल से, वाटर के कंपाउंड से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा, रिएक्टेंट से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आपको दिखे तो समझ जाना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और दूसरी बात है, ये देते हैं सेजब प्रोडक्ट। अब आपको बताता हूं एक चीज और, जिसको वैसे मैं इवन ई2 में भी बताऊंगा। सेजब प्रोडक्ट होता है एक, और होता है एक होफमैन प्रोडक्ट। देखो सेजब प्रोडक्ट क्या होता है, ओ अल्कीन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं सेजब प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, सेजब प्रोडक्ट क्या होता है, ओ अल्कीन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखो ए जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये आपके सेजब प्रोडक्ट बनाते हैं, सेजब प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो क्या होगा, देखो जैसे आपको पता, इतना तो पता है कि Al2O3 प्लस हीट एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब लेकिन मुद्दा ये आता है कि वाटर को रिमूव कैसे करें, ए हाइड्रोजन एक इधर भी है और हाइड्रोजन इधर भी है। तो मुद्दा ये आता है कि हम वाटर को ऐसे इधर से रिमूव करें कि, चलो इधर थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, है ना, क्यों डेल्टा उधर लिखा हुआ है, कि वाटर को इधर से रिमूव करें, कि मतलब डबल बॉन्ड इधर लगाएं कि डबल बॉन्ड इधर लगाएं, मुद्दा ये आता है। तो ए जितने भी अपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं ए हमें क्या देते हैं, सेजब प्रोडक्ट। तो देखो अगर इधर डबल बॉन्ड आता, अगर इधर डबल बॉन्ड आता, देखो सपोज, देखो आपके दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे, देखो बनाई देते हैं, ठीक है। तो एक आपका ए बनता प्रोडक्ट, ए आपका प्रोडक्ट ए बनता, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होते, देखो दो इधर, अल्फा पोजीशन एक ए है और एक ए है, तो दो इधर और एक इधर, क्योंकि एक ही अल्फा हाइड्रोजन है इधर, क्योंकि एक तो मिथाइल ग्रुप लगा है, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन मिलते जब अगर एच ग्रुप इधर से निकलता। देखो अल्कोहल मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालने के दो ही केस पॉसिबल है, एक तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो और एक इधर से निकाल सकते हो। तो अगर इधर से निकाले तो ए प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इधर से निकाले तो ए अल्कीन बनेगा। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक तो ए, देखो अल्फा पोजीशन अपनी ए है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन, तो तीन हाइड्रोजन ए रहे, दो ए रहे, ए भी अल्फा पोजीशन है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन, ए भी अपनी अल्फा पोजीशन, दो प्लस दो तीन, सेवन अल्फा हाइड्रोजन, इधर आपको तीन अल्फा हाइड्रोजन मिले थे। तो जिस अल्कीन में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो वो अपना सेजब प्रोडक्ट होता है, और जनरली वही अपना मेजर प्रोडक्ट भी होता है, क्योंकि जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उधर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी, वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। जनरली की बात कर रहा हूं आपको मैं, इवन ई2 जब मैं कराऊंगा तो उधर आपको मैं बताऊंगा भी कि किस केस में होप, देखो एक होता है सेजब प्रोडक्ट और जो ए प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, होफमैन प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन लेस हो उसको बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट। तब से आपको मैं बताऊंगा जब मैं इवन ई2 रिएक्शन आपको मैकेनिज्म कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे भी केसेस हैं जहां होफमैन प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू सेजब प्रोडक्ट। वैसे तो हमको पता है कि सेजब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। सेजब प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, और जिस अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो अच्छी बात है, तो सेजब प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था। लेकिन ऐसी भी कुछ कंडीशंस हैं जहां होफमैन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, उसको आप वेट करो, आपको इवन ई2 में बताऊंगा। तो इधर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बनेगा, ए नहीं बनेगा,
ठीक है ना, क्योंकि आपका सिज़र प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ये बनता तो होगा लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनता है, और हम ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो एक रीजेंट और है, THO, थेलियम ऑक्साइड। थेलियम ऑक्साइड प्लस हीट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ए भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन ये आपको क्या देता है, होफमैन प्रोडक्ट देता है। ये आपको क्या देता है, होफमैन प्रोडक्ट। मतलब सेम वही चीज, अगर ये अपने पास क्वेश्चन सेम वही है तो ये आपको कैसा प्रोडक्ट देगा, होफमैन प्रोडक्ट। देखो ये आपका होफमैन प्रोडक्ट था, तो याद रखेंगे थेलियम ऑक्साइड प्लस हीट ही एक ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो आपको होफमैन प्रोडक्ट देता है। बाकी जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं वो आपको सिट्ज़ब प्रोडक्ट देते हैं। सिट्ज़ब प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। होफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो, तो उसको बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट। तो बस थेलियम ऑक्साइड ही आपको होफमैन प्रोडक्ट देता है, बाकी आपको क्या देते हैं, सिंपल सा सिट्ज़ब प्रोडक्ट। तो देखो ये कंक्लूड करके लेके आने के लिए बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मेहनत पहले चाहिए होती है। तो आपको एक साथ दे रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे मुझे अगर किसी ने दिया होता ना, मेरे टीचर्स ने, तो मैं पता नहीं क्या कर लेता यार, मेरा रैंक कहां से कहां चला जाता, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, तो इसको करते हैं हम। क्लियर है, दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट पूरे प्रॉपर क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पूरा एक्सपोजर मिल गया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं किसकी, इसकी अल्काइल बेंजीन की रिएक्शन, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन। देखो बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगाओ तो इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन, गाइस जब अल्काइल बेंजीन की विग्रस ऑक्सीडेशन करें, विग्रस मतलब कि KMnO4 लिया, एसिडिक बेसिक मीडियम किसी में भी ले सकते हो, प्लस हीट भी लिया, मतलब विग्रस ऑक्सीडेशन कराई, हीट भी दे दिया, खतरनाक ऑक्सीडेशन, तो अब क्या होगा, ये जो अपनी अल्काइल चेन, अल्काइल ग्रुप है अपना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं विग्रस ऑक्सीडेशन। अब देखो अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ में हीट भी ली, तो क्या होती है, विग्रस ऑक्सीडेशन होती है, जो मिथाइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। तो अल्काइल बेंजीन की जब हम विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखो एक चीज देखो, जैसे इसकी दो सी एग्जांपल ये है, ये मैंने कोई एक कार्बन की बहुत लंबी सी चेन ली है, अगर इसकी KMnO4 से रिएक्शन कराएं, विग्रस ऑक्सीडेशन कराएं, ठीक है, मतलब हीट भी ले, तब देखो इसमें भी आपका क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसमें भी आपका क्या बना, बेंजोइक एसिड बना। ऐसा नहीं होगा कि COH मतलब ऐसी चेन बनती और इधर COH इधर लगता, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इन रिस्पेक्टिव टू, इन मतलब इसको बिना देखे हुए, मतलब आपकी चेन जाई जितनी मर्जी लंबी हो, चेन जाई आपकी जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। चेन जाई जितनी मर्जी लंबी हो, 500 कार्बन लगा दो, 500 कार्बन लगते गए, तब भी आपका जो बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ ए सब्सिटेंट चेन। जब विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं अल्काइल बेंजीन की, तो इन रिस्पेक्टिव टू द लेंथ ऑफ ए सब्सिटेंट चेन, ऑलवेज बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड, ऑलवेज बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड। तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, क्लियर बात है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें एक चीज और मुझे याद आई तो मैं बता देता हूं, जैसे देखो क्या है, ए अपना मिथाइल ग्रुप लगा था तो इसको चलो ऑक्सीडाइजेशन हो गई। अब ए देखो क्या है, ए अपना के, ए जो अपना मिथाइल ग्रुप था, ए जो अपना इधर अपना जो कार्बन था, इधर जो अपना कार्बन था, यार एक कार्बन कैसा था, ए 2 डिग्री कार्बन था, तो 2 डिग्री भी आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब 3 डिग्री हो, अगर एक कार्बन 3 डिग्री हो तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, 3 डिग्री होता तब नहीं होता। मतलब अगर एक एक मिथाइल ग्रुप और इधर लगा होता, एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से और लगा होता, जो ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से अगर एक मिथाइल ग्रुप और लगा होता तब ये आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट ना होता। तो 3 डिग्री अगर होता, 3 डिग्री कार्बन अटैच होता बेंजीन रिंग से, तब आपकी ऑक्सीडेशन ना होती। तो याद रखना है पॉइंट को, है ना, कहीं लिख लेना छोटा सा पॉइंट बना के, इधर जगह नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाया और याद भी अभी आया मुझे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेना कि जब 3 डिग्री कार्बन लगा हो बेंजीन रिंग से, अल्काइल बेंजीन की, अल्काइल बेंजीन में जो ओ कार्बन जो बेंजीन से अटैच है, अगर वो 3 डिग्री होगा तब उसकी विग्रस ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात ए है, ठीक है ना, क्लियर।
अब देखो गाइज, मैंने आपको बिल्च रिडक्शन कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांस में बहुत आता है, बिल्च रिडक्शन कराई थी। तो बिल्च रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम, देखो बिल्च रिडक्शन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एंटी रिडक्शन होती है, एंटी एडिशन होती है, एंटी बताया था ना, बिल्च रिडक्शन आपको मैंने कराई थी। बिल्च रिडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, जब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया हो, तब आपको मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन और हाइड्रोजन की एडिशन होती है, और जो दो हाइड्रोजन लगते हैं कैसे लगते हैं, एंटी पोजीशन पे, एंटी पोजीशन पे, वो अपना मेस तक काम था। एडवांस में बेंजीन रिंग का यूज कर लेते हैं, एडवांस में बेंजीन रिंग का यूज कर लेते हैं। बिल्च रिडक्शन में देखो सोडियम, अच्छा लिथियम भी इसमें यूज हो सकता है, तो आपको आज पता लग गया। तो बिल्च रिडक्शन के देखो पूरा एक्सपोजर यह है कि सोडियम भी हो सकता है और लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है और लिथियम भी, और लिक्विड अमोनिया जनरली होता है, लेकिन अगर अल्कोहल भी दिया हो तब भी बात सेम है, अल्कोहल भी दिया हो तो तब भी बात सेम है। तो अल्कोहल अगर अमोनिया की जगह अगर अल्कोहल दिया हो तो डरना ना, तब भी प्रोडक्ट आपका सेम ही बनेगा। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या अल्कोहल गिव बिल्च रिडक्शन। बिल्च रिडक्शन में क्या होता था, एंटी एडिशन होती थी, एंटी एडिशन, एंटी प्रोडक्ट अपना बनता था। अब देखो उसकी थोड़ा आगे एडवांस वर्जन पर जाते हैं। तो देखो जब आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखो ईडीजी लिखा है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो मैं इधर भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये आपका ईडीजी है। जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग से, तब अगर आप बिल्च रिडक्शन करो तब आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो डबल बॉन्ड है ऐसे एंटी पोजीशन में होते हैं, एक डबल बॉन्ड ऐसा होता है, एक डबल बॉन्ड ऐसा होता है, तो आपका ये डबल बॉन्ड ऐसे रिड्यूस होते हैं। इसके मैकेनिज्म नहीं करने आपको, इसको बस ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, कि बिल्च रिडक्शन में, बिल्च रिडक्शन में जब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, डोनेटिंग ग्रुप जैसे मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप है वो अपने डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप है ना, फिनोल ग्रुप, CL ग्रुप, ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसको बेंजीन रिंग को, तो ये सब आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका अगर लगा हो तब आपको क्या करनी है, जो आपका बिल्च रिडक्शन में कैसे होता है, ऐसे रिड्यूस होता है, बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाती है ऐसे में, ऐसे रिंग में, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, नाइट्रो ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो बिल्च रिडक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं एंटी पोजीशन में ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब अपना जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो कैसे एंटी पोजीशन में होते हैं, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो एंटी पोजीशन में कैसे होते हैं, एक पाई बॉन्ड इधर एक पाई बॉन्ड इधर। तो इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऐसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो पाई बॉन्ड की पोजीशन कैसे हैं वैसे। अगर मान लो सिर्फ बेंजीन होता, सिर्फ बेंजीन होता, अगर सिर्फ बेंजीन रिंग होती, मतलब कोई ना कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा होता, ना कोई विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब सिर्फ बेंजीन होती, कहीं बेंजीन है अपने पास, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगर अपने पास देखो कहां लिखूं, कहां है जगह, तो देखो अगर सिर्फ बेंजीन रिंग होती, अगर सिर्फ बेंजीन रिंग होती तब आपका क्या बनता, अगर इसकी बिल्च रिडक्शन करते तब क्या बनता, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, बेंजीन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी बिल्च रिडक्शन उसी के तरीके से होगी, मतलब जब अगर इसकी बिल्च रिडक्शन करें तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसा उसमें मिला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में, तो आपका प्रोडक्ट ए मिलेगा। जब इसकी अगर हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लें तब आपको बिल्च रिडक्शन से ए प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है, तो इसको इरेज कर दिया जाए। तो ए गाइज आपका इसी के साथ पूरा चैप्टर, जितना मैं तो मैं आपको रीजंस बता पा रहा था अभी के लिए इतना बता दिया है, एडवांस में भी कुछ और करेंगे छोटी मोटी चीजें अभी, लेकिन आपको बहुत एक्सपोजर मिल गया, बहुत स्पेशल क्लास थी आज की, ठीक है ना। तो आई होप आपको मजा आया हो, कुछ सारी लगभग यार आप काफी बताओ आपको कितने रीजंस इसमें से आते थे, कितने रीजंस इसमें से आपने देखे हुए थे ये बताओ, चलो आने या ना जाने की बात छोड़ो, देखे कितने थे ये बताओ यार, इसमें एक्सपोजर आपको कितना मिला ये बताना, ठीक है ना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।